हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। आप लोगों का बहुत स्वागत है, वेलकम है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी इन लॉकडाउन। आज का हमारा मेन पॉइंट जो है कि लॉकडाउन में किस तरह पढ़ाई की जाए। हम सब इस बीमारी से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से हमारा स्कूल जाना ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और अब हमारा नया सेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो अब किस तरह हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप उन्हें फॉलो करें तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। सो मैं आपको बताऊंगी फॉलो दीज 5 टिप्स। अगर आपने टिप्स फॉलो किए तो ये आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ध्यान रखिए, ये मतलब सिर्फ छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो इट विल यू नो वेरी वेरी यूजफुल टू यू। सो द फर्स्ट टिप इज़ वॉच ऑनलाइन क्लासेस। ऑफकोर्स हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ाई किस तरीके से करें, क्योंकि हम टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस देखना ज़रूरी है। जैसा कि कुछ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो नहीं करवा पा रहे हैं। तो आपको क्या है कि आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस देखनी है, आपको कुछ चैनल चूज़ करने हैं और आप उन्हें फॉलो कीजिए और आप हमारा चैनल चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी चैनल जो आपकी पसंद का हो आप उसे चूज़ कीजिए और अपनी क्लासेस लगाइए। क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, आप ऑनलाइन क्लासेस देखें। अब मुद्दा ये है कि आप चैनल चूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 4-5 चैनल देखेंगे, कभी उस टीचर की कभी इस टीचर की, ऐसा नहीं है। आपको अगर आप किसी चैनल पे चूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके लिए फेथ रखना होगा कि हाँ हम ये चैनल चूज़ कर रहे हैं, और उसी को लगातार देखते रहिए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। लेकिन आप ऐसा कभी मत कीजिए कि 4-5 चैनल चूज़ किए तो आप सिर्फ भटकते रह जाएंगे। आप जितना ज़्यादा एक टॉपिक को अलग अलग देखेंगे, मतलब अलग अलग टीचर से, तो आप उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। आपको जिसका तरीका पसंद आया आप उसे चूज़ कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगाइए। नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर हैंड रिटन नोट्स। ऑफकोर्स हैंड रिटन नोट्स आपका बेस होता है। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप, देखिए ऐसा होता है कि एक टाइम पर हम कुछ चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, मतलब आफ्टर 2-3 months वी हैव टू रिवाइज इट। एंड इसके लिए हमें हैंड रिटन नोट्स बनाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है कि कुछ बच्चे हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते, वो यूट्यूब पर क्लासेस ले रहे हैं बट नोट्स नहीं बनाएंगे। उन्हें लगेगा कि जब रिवीजन करना होगा मैं दोबारा उस वीडियो को देख लूँगा, दैट्स इट। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ये भी याद रहेगा, आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरा इतना सिलेबस कवर हो गया है, अब मैं आगे जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ यू नो रिवीजन करना हुआ तो आप तुरंत रिवीजन कर लेंगे। लेकिन आपको अगर ये गलतफहमी है कि आप बिना नोट्स के पढ़ सकते हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। या तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, बट उन स्क्रीनशॉट्स को भी जब तक आप नहीं उतारेंगे अपनी कॉपी में तब तक वो आपको याद नहीं रहेंगे, कुछ ही टाइम में आप भूल जाएंगे। तो आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। सो द नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूटी। ऑफकोर्स कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप कोई भी काम करें, चाहे पढ़ाई हो या आपकी जॉब हो या किसी भी तरीके का काम हो, अगर आपको उसमें सबसे बेस्ट बनना है, सबसे अच्छा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो आपको अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डेली क्लासेस लगानी होंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक दिन छोड़ दें और फिर बोला कि नहीं मैं 2-3 दिन बाद लगा लूँगा, यूट्यूब पर ही तो क्लासेस हैं, कहाँ जा रही हैं, या फिर मैं बाद में देख लूँगा, नहीं अभी आज रेस्ट कर लेता हूँ, आज थोड़ा लेजी सब फील हो रहा है, नो, आज मैं क्लास नहीं लगा पाऊँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बेस्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप डेली क्लासेस लगाइए, अपनी कंटिन्यूटी को मत छोड़िए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ 4th पॉइंट, मेक योर टाइम टेबल। जी हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है आज के यूथ का कि वो अपना टाइम टेबल क्रिएट नहीं करते हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि वो मोबाइल लेकर बैठे और कब उनके 2-3 और 3-4 घंटे निकल गए। अभी किसी ने चैटिंग में कुछ भी मीम्स भेज दिया या फिर कुछ भी मैसेज भेज दिया, तो आपको ये पता ही नहीं रहता कि कब आपका टाइम वेस्ट होता जा रहा है। और ये टाइम जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा, आपको ये देखना होगा कि हाँ मैं इस चेयर पे अगर बैठूंगा, मुझे 2 घंटे पढ़ना है या मुझे 3 घंटे पढ़ना है, तो मुझे इस चेयर से कोई भी नहीं उठा सकता है। या अपने घर वालों से कह दो कि नहीं मुझे इस वक्त पढ़ना है, ये टाइम मेरा पढ़ने का, तो ना मुझसे किसी काम की कहा जाए, ना मुझसे अगर कोई बात करे, या एक खाली रूम में चले जाओ। अगर आपके पास कोई खाली रूम नहीं है, मतलब आपको उस जगह बैठ जाना है कि मैं इस जगह से 3 घंटे से पहले नहीं उठने वाला हूँ, तो ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, या फिर 1 घंटा मेरा मोबाइल चलाने का टाइम है। और अगर आपको बहुत छोटे छोटे काम भी होते हैं कि हाँ मैं सुबह उठ रहा हूँ तो इतना टाइम मुझे फ्रेश होने के लिए चाहिए, इतना टाइम मुझे, तो अपना टाइम टेबल बनाइए, उसे एक नोटबुक में लिखिए, ताकि आपको पता चले कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है और आप पढ़ाई में कितना टाइम दे रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट वेस्ट योर टाइम। जी हाँ, मतलब काफ़ी लोग कहेंगे कि ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है, सब बताते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, बट ये बताते सब हैं, बोलते सब हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन हम फॉलो कितना करते हैं। द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम फॉलो करना भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, हम अपना एम भूल जाते हैं। किसी की बात सुन ली, कोई इम्पैक्ट हुआ, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। तो आपको अपना जो टाइम है उसके प्रति आपको एकदम स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा खुद के लिए। आप अगर बात की जाए टीचर की, हमें सब टीचर बताते हैं, लेकिन आपको टीचर सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, लेकिन फॉलो आपको करना पड़ेगा कि आपको अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आई सेड टाइम इज़ मनी, बट मनी कांट बाय टाइम। समय आपका सबसे बड़ा धन है, आप धन के द्वारा समय को नहीं खरीद सकते। और एक स्टूडेंट के लिए टाइम मतलब किसी भी चीज़ के बराबर नहीं है, किसी भी चीज़ के इक्वल नहीं है। आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने टाइम के लिए कि आप अपना टाइम यूज़ कहाँ कर रहे हो। याद रखिए कि आप फ्यूचर में वही बनोगे जो आपने टाइम का अभी यूज़ कर लिया। आपकी ये जो एज है, स्टूडेंट लाइफ है, ये आपका बेस होती है। तो जो बिल्डिंग है उस इमारत की नींव, वो आप पर डिपेंड करती है कि आप इस बिल्डिंग को कैसा बनाना चाहते हो। एक कच्चा मकान बनाना चाहते हो या फिर एक ऐसी मजबूत बिल्डिंग जो यू नो सालों तक जिसे कोई ना तोड़ पाए। तो आपको वो मजबूत पर्सनैलिटी बनानी है, इसके लिए आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो यही 5 टिप्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।